What's up, Sam? Hello and welcome to today's episode of Big Scratch by Side Says. That's right. And today we will be listening to Grief by Rudar. गाने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन रहेगा सबसे पहले. सो अगर आपको गाना पसंद आता है सुन के यू कैन गो ओवर देयर, लेट द आर्टिस्ट नो व्हाट यू थिंक अबाउट द ट्रैक. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर लिसन टू द ट्रैक और हमें ट्रैक में क्या सही लग रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम द ट्रैक एंड थिंग्स दैट वी फील लाइक कैन बी इम्प्रूव्ड इन द ट्रैक, वो फीडबैक हम अपन गाना सुन के आज देंगे. सो विदाउट फर्दर डू वी आर गोइंग टू शेयर इनटू इट एंड टॉक अबाउट द ट्रैक. दिस इज बिग स्क्रैच बाय सेक्शन, वी आर लिसनिंग टू ग्रीफ बाय रुदार, लेट्स हियर इट. एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं ना. रिटन सॉन्ग कंपोज्ड बाय रुदार. Attempts to describe the pain that occurs when we lose everything because of our ego and greed and are left with nothing but regrets. Oh shit, this is going to be dark. Aa jao. Ye ghamon ke badal mere sar pe chha rahe, kaun se gunah mere samne aa rahe, jinko kab pe dekha 4 saal pehle samne aa chuke ke hi chehre mere samne aa rahe, jis din utha haath maa pe roka kyun nahi, taanon ki zubaan ko toka kyun nahi, khaati rehti aisi awaaz. खिलाया उसे भूखा सोने दिया, मासूम माँ की आंखों को कैसे रोने दिया, खामोश किया गोश में छोड़ अकेला, पैसों की प्यास ने प्यार खोने दिया. I mean, is he talking about himself over here? Why, if it is this level of self reflection in front of the world, bhai. गुमसुम रहने लगा हो गए 4-5 साल, कोई बचा ही नहीं पास जो पूछ ले हाल, मेरी गलती तो नहीं इस तप को दूर कर दिया है, ले दे के पास मेरे बचे 2-4 साल. Is this instrumental produced by music produced by it's a YouTube video. अच्छा, okay. देखो लिरिक्स लेके मैं कुछ बोल नहीं सकता. इट इज कमेंडेबल, इट इज मतलब आई एम सरप्राइज ऑनेस्टली कि रिटन समथिंग लाइक दिस एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आप मतलब जिन चीज़ों को आप खुद फेस नहीं कर पाते उन चीज़ों को आप लाइक यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोसेसिंग दैट. सो हैट्स ऑफ भाई, दैट इज समथिंग फॉर आर्टिस्ट टू लर्न सुन के. But when it comes to the technicalities, I feel like the thing is I saw ki the idea or the ability to, you know, use vocals, pan vocals and mix vocals is there, but I think it can be done in a better way, because just as a listener mere ko sun ke ye laga ki instrumental upar baj raha aur vocals bahar nikal ke nahi aa raha, because it's a very powerful song. इट्स अ सॉन्ग जहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल से ज़्यादा वोकल्स को मतलब इट शुड शाइन, द वोकल शुड शाइन, इट शुड बी आउट देयर इन द फ्रंट. तो वो मेरे को फील नहीं हुआ. दैट्स वाई आई थिंक इन एट द वेरी रूट ऑफ इट इज जस्ट गेन स्टेजिंग, या फिर मतलब जस्ट नॉट इवन गेन स्टेज, जस्ट मतलब जो वोकल्स हैं उनके वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था.
सिंपल भाषा में, ठीक है, नंबर वन. एंड इफ इट्स नॉट दैट आई थिंक इट कैन रिकॉर्ड, बिकॉज जो स्पेशली द पार्ट्स वेर यूर सिंगिंग मेरे को थोड़ा वो वोकल थिन लगने लगा. इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ हाउ योर वॉइस साउंड्स, इट्स जस्ट द मिक्सिंग कि उसको आप यू कैन लेयर इट इन सर्टेन वेज और यू कैन यूज सर्टेन मिक्सिंग टेक्निक्स, जैसे कंप्रेशन हो गया, यू कैन यूज अ प्लेट रिवर्ब और थिंग्स लाइक दैट, हाउ टू मेक योर वोकल साउंड यू नो प्रेजेंट और फुल. ये यू कैन वॉच वीडियोज रिगार्डिंग लाइक इन कीवर्ड्स को सर्च करके आप वीडियो सर्च कर सकते हो एंड यू कैन यू नो लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स कि हाउ टू यूज यू नो कंप्रेशन और सैचुरेशन और रिवर्ब इन दैट केस और इवन अ वेरी शॉर्ट डिले टू मेक योर वोकल साउंड मोर फुल. तो मेरे को बस यही लगा कि जितना हैवी ये कॉन्टेंट है ना, लिरिकल कॉन्टेंट जितना हैवी है गाने का, द मिक्सिंग कुडंट डू जस्टिस टू दैट. स्पेशली मतलब आई कैन सी दैट जो वोकल्स आप यूज लाइक स्पेशली इन द पार्ट्स वेर यूर सिंगिंग, कोई पिच करेक्शन नहीं है, कोई ऑटो ट्यून नहीं है स्पेशली, मतलब अगर है भी तो मेरे को कुछ मतलब कैच ही नहीं हो रहा. सो इट्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट परफेक्ट सिंगिंग, ठीक है, बट वो कैपेबिलिटी मेरे को दिख रहा है. बट लाइक अगर आप मिक्सिंग में उस चीज़ को इफ़ यू कांट मेक इट शाइन थ्रू इवन बेटर, तो वो आपके मतलब आपके कैपेबिलिटी को ना जस्टिस नहीं देगा. सो बस वही चीज़ है कि आई हैव नथिंग टू से अबाउट द कॉम्पोजिशन, आई हैव नथिंग टू से अबाउट द लिरिसिज्म या राइम्स, एवरीथिंग सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट इट्स जस्ट द मिक्सिंग. आई जस्ट फील लाइक आई डोंट नो प्रॉब्ली यू बिकॉज इट्स सैड. Yeah, it's mixed by I don't know if I'm saying that right, but yeah, जो भी mix engineer है, because I can see कि there's panning going on, there's like multiple dubs being taken, कहीं पे ad libs आ रहे, कहीं पे वो आ रहे हैं, मतलब the concept, the idea is there, but I understand जब आप मतलब किसी एक artist को या एक vocal को लेके बहुत देर बैठते हो, मतलब आप इतने intricate हो जाते हो चीज़ों को लेके कि main चीज़ें आपके focus से बाहर चली जाए. मेरे साथ बहुत होते हैं, तब मैं mixes छोड़ देता हूँ, फिर वापस आके लेके बैठता हूँ. So as an outsider, just as a listener, मैं ये suggestion दूंगा कि जो concept है गाने का, इसको mixing के ज़रिए और मतलब और beautifully express किया या place present किया जा सकता है. So yeah, that's about, that is basically my feedback. And apart from that, when it comes to the lyrics, bhai, itni deep bhi, itni dark cheezon ko, itne dark cheezon ko aap duniya ke samne, matlab aisa bhi nahi hai ki you have processed it all aur aap rakh rahe ho, it's like you are processing these things in front of the world. And bhai, matlab I can't even imagine the level of guts that it takes to say things like this. I don't know if you did like perspective writing or were you talking about yourself or your own experiences, but matlab whatever you have written, bhai, it takes guts. And मैं बहुत टाइम मैं गाने सुन के यही बोलता हूँ कि देयर्स अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो मतलब हु यूज अ लॉट ऑफ राइम्स, टेक्निकलिटीज, स्पीड, ऑल काइंड ऑफ फैंसी स्टफ, बट जो लिरिक है ना वो इट डज नॉट टच माई हार्ट, बिकॉज उसमें हार्ट टू हार्ट बातें नहीं हो रही है, इट्स जस्ट ऊपर चीजें हो रही है, देयर इज नो यू नो कॉन्टेंट टू टेक अवे फ्रॉम इट. ये उस चीज का एग्जैक्ट ऑपोजिट है. जब एक गाना ऐसा होता है जिसमें इतना डेप्थ है, इतनी सीरियस चीजों को लेकर बातें हो रही है, देयर इज समथिंग दैट आई कैन थिंक अबाउट गाने को लेकर. ऐसे गाने में राइम करो ना करो, मल्टी सिलेबल राइम, सिंगल सिलेबल राइम, फास्ट रैप करो, स्लो रैप, कुछ इट डज नॉट मैटर एनी मोर, इट्स जस्ट लाइक पोएट्री, इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेंट. एंड आई फील लाइक वेन इट कम्स टू म्यूजिक या especially when it comes to rap, this is what I personally look for, जहाँ पे मतलब something that you can take away from it, मतलब आप गाना सुन रहे हो, it makes you think, it makes you wonder about certain things. So yeah, I think that's the kind of, it's like an emo, एक होता है कि एक you physically groove to the track, जब कोई instrumental is very nice, that is cool, I do that. At the same time, something, there should be an emotional groove going on, कि आप अंदर से हिल गए लिरिक्स को सुन के. सो भाई, आई रियली एम पर्सनली अ वेरी बिग फैन एंड मतलब आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट. सो वो चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखा. ऑल आई वुड से इज यूज योर वोकल्स, वोकल लेयरिंग्स इन डिफरेंट वेज टू यू नो फिल इट अप एंड मेक इट मोर क्रिएटिव, जहाँ पे कहीं कुछ बोरिंग ना हो जाए. स्पेशली वेन यू आर लिरिसिस्ट लाइक दिस, डू नॉट लेट द बीट ओवर शाइन और ओवर शैडो यू. दैट्स अबाउट इट भाई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज ऑफ हेल्प. गाने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन है. मेक श्योर टू गो ओवर देयर एंड लेट द आर्टिस्ट नो व्हाट यू थिंक अबाउट हिज वर्क. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच. लव द स्ट्रेस फैम. इट्स बिग स्क्रैच एंड आई एम आउट. जगह तेरे दिल में और माफी तेरी अब मैं कैसे लूं.
I was lost, party drugs and booze. Nasha mujhe deta tha sukoon. All these girls giving me approval. I cannot lie, I broke a couple hearts. Mera dil bhi tooda tha, main kya karoon? Wrote a couple songs.